हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों देखना ही रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। शहरों और गांवों के अलावा भी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां लोग रह सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है नरिस में। यहां के एक खूबसूरत आइलैंड पर आबादी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अनोखा ऑफर दिया है। इस आइलैंड पर रहने के लिए सरकार लोगों को मुफ्त में घर और हर महीने 40,000 रुपए दे रही है। इस आइलैंड का नाम है एंटीकाइथेरा, जो अपने साफ सुथरे पानी और चट्टानों के लिए पूरे देश में मशहूर है। 20 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर फिलहाल 24 लोग ही रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आइलैंड पर रहने का सरकार का ऑफर लोगों को पसंद भी आ रहा है। कई लोग यहां रहने के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर स्कूल भी है, जो बच्चों की कमी के कारण बंद हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे खोल दिया गया है। सरकार इस आइलैंड पर खास तौर पर बेकिंग, फार्मिंग, फिशिंग और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को बुला रही है, क्योंकि ये ऐसे पेशे हैं जिससे लोग यहाँ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हालांकि पहले तो सरकार यहाँ लोगों को बसाने के लिए लगातार 3 साल तक हर महीने 500 यूरो यानी करीब 40,000 रुपए देगी। इस आइलैंड पर रहने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की कुछ शर्तें माननी होंगी, जो बेहद ही आसान है। उसके बाद ही लोग इस आइलैंड पर रहने के योग्य हो पाएंगे। ये शर्तें यहाँ की स्थानीय सरकार लागू करेगी।